हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों इसमें विंटर सीजन चल रहा है, तो इस विंटर सीजन में हमारी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। चाहे आपकी वो ऑयली स्किन ही क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। तो स्पेशली विंटर के लिए हम बहुत ही अलग से प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जो कि हमारी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइजेशन मिल सके जिससे हमें। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ स्किन केयर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करने वाली हूँ जो इस विंटर में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में। और दोस्तों मैं फेस वॉश से लेकर मॉइस्चराइजर तक सारे ही वन बाय वन सारे ऐसे प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो कि स्पेशली आपके स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, बिल्कुल आपकी स्किन को ड्राई होने नहीं देंगे और हेल्दी सा ग्लो भी दिखेगा। और दोस्तों अभी भी मेरे फेस पे मैं जो भी सारे प्रोडक्ट आपको दिखा रही हूँ, इन सारे प्रोडक्ट से मैंने अपने स्किन को मॉइस्चराइज किया है। मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है एक्सेप्ट वन, जो कि है ये मस्कारा। बाकी जितने जो भी सारी चीजें मेरे फेस पे आपको दिख रही है सारी स्किन केयर के प्रोडक्ट हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आप इस विंटर सीजन में अच्छे स्किन केयर के प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं जिससे आपके स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइजेशन मिल सके, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो से आपकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जितने प्रोडक्ट मैं दिखा रही हूँ सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, अंडर 500 हैं और आपको इजीली सभी जगह मिल जाएंगे, एक्सेप्ट वन जो कि है मेरा लिप बाम, वो थोड़ा सा कॉस्टली है। बाकी सारे ही प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल हैं, अंडर 500 आपको मिल जाएंगे। तो चलिए पहले दोस्तों मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट स्टेप जो कि है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हमें चाहिए होता है अच्छा सा फेस वॉश। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं प्लम का जो ग्रीन टी पोर क्लिंजिंग फेस वॉश होता है वो मैं यूज। और दोस्तों इस विंटर सीजन में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी, तो प्लम वाला फेस वॉश था मेरी स्किन में काफ़ी ड्राई कर रहा था। तो मैंने इस बार मैंने उसे चेंज करके मैंने दूसरा फेस वॉश लिया जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि है ये एम कैफीन का है। ये एम कैफीन का रॉ नेक एंड रॉ कॉफी फेस वॉश है ये। और दोस्तों इसका प्राइस भी सेम है, 350 रुपये का प्लम वाला भी आता है, ये भी आता है ऑफर में, आपको अंडर 300 मिल जाएगा बस। बट जो क्वांटिटी है वो प्लम वाले से इसमें ज़्यादा मिलती है, 100 ml क्वांटिटी है इसकी। और ये वाला फेस वॉश अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये बेस्ट है फेस वॉश, बहुत बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही लाइट वेट है। बिल्कुल इसे फेस वॉश करने के बाद बिल्कुल स्किन आपकी स्किन आपको बिल्कुल ड्राई नहीं फील होगा। तो ये फेस वॉश स्पेशली अगर आप ड्राई स्किन है आपकी और विंटर के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो फिलहाल विंटर में मेरी स्किन ड्राई हो रही है तो मैं यही वाला फेस वॉश मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। मुझे ये फेस वॉश बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही माइल्ड है, काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। तो इस विंटर के लिए आप अगर अच्छा सा फेस वॉश ढूंढ रहे हैं जो आपकी स्किन को ड्राई ना करे, ये वाला आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, एम कैफीन का ये फेस वॉश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इसे आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं टोनिंग की, टोनर। तो टोनर के दोस्तों मैं यूज करती हूँ रोज वाटर, जो कि है ये TNW का स्टीम डिस्टिल्ड रोज वाटर है। और दोस्तों ये वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाई हुई है। ये वाला प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसे रोज वाटर एज ए टोनर मैं कई तरीके से इसे यूज करती हूँ। ये वाला जो रोज वाटर है आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके इंग्रेडिएंट जो लिस्ट है वो बहुत सिर्फ दो ही है, रोज है, स्टीम डिस्टिल्ड वाटर है। इसमें कोई भी केमिकल या कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐसा कुछ भी इसमें ऐड नहीं है, ऑल स्किन टाइप है, प्राउडली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे यूज करने से स्किन को काफ़ी अच्छा सा हाइड्रेशन मिलता है और जैसा कि अभी देख पा रहे होंगे आधा खत्म हो चुका है। मैं इसे डेली सुबह शाम यूज करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप अच्छा सा एक टोनर रोज वाटर ढूंढ रहे हैं तो आप इसे भी जरूर अपनी स्किन केयर में शामिल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और ये आई थिंक 350 रुपये मिल जाएगा अमेजोन पे। इसलिए टोनर के बाद बारी आती है मॉइस्चराइजर की। और दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दो तरह का मॉइस्चराइजर दिखाऊंगी, फेस के लिए अलग, बॉडी के लिए अलग। तो अगर बात करें मॉइस्चराइजर की, दोस्तों जैसा कि इस समय फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है तो हमें एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों फिलहाल जो करेंटली मैंने जो यूज़ करना स्टार्ट किया है वो है ये सेटा फिल का मॉइस्चराइजर है। ये मॉइस्चराइजर जो है स्पेशली ड्राई स्किन के लिए है और जैसा कि इस समय हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो ये जो मॉइस्चराइजर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने रिसेंटली मैंने इसे मंगाया और यूज़ करना स्टार्ट किया, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। आई थिंक ये 350 रुपये तक आपको मिल जाएगा, सभी जगह आपको मिल जाएगा ये मॉइस्चराइजर। अगर आपकी ड्राई स्किन है या फिर विंटर में अगर आपकी ऑयली स्किन है और ड्राई हो रही है या कॉम्बिनेशन स्किन है उसके लिए भी ये मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, गर्मियों में आप इसे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे ना यूज करें, ये आपको थोड़ा सा ऑयली कर देगा। बट
विंटर के लिए जो मॉइस्चराइजर है वो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं इसे यूज कर रही हूँ, मुझे काफी तो इस विंटर में अगर आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं, अगर आपकी ड्राई स्किन है, ड्राई स्किन फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, या फिर आपकी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है और फिलहाल इस विंटर में ड्राई हो रही है, तो ये वाला मॉइस्चराइजर आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मैं इसे यूज कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये मॉइस्चराइजर भी आपकी ड्राई स्किन के लिए बेस्ट है, आप जरूर ट्राई। बात करें अगर बॉडी मॉइस्चराइजर की, तो दोस्तों उसके लिए मैं यूज करती हूँ ये पॉन्ड्स वाला जो मॉइस्चराइजर है, इसमें काफी ज्यादा हाइप है प्रोडक्ट, बट मैं इसे फेस के लिए नहीं यूज करती हूँ। दोस्तों मैं अपना पर्सनल अलग एक्सपीरियंस बताऊँ इस प्रोडक्ट के बारे में, तो ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब अच्छा मतलब कि बहुत खराब नहीं है, बहुत उतना हाइप जितना बना के रखा है उतना अच्छा भी नहीं है, एक नॉर्मल मुझे मॉइस्चराइजर ही फील होता है। और दोस्तों अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, अगला फेस पे आप लगा रहे हो, तो मैंने इसे ट्राई किया, मुझे उतना ज्यादा मतलब जितना एक मॉइस्चराइजर चाहिए होता है उतना ये प्रोवाइड नहीं करवाता है, तो इसलिए मैं इसे फेस के लिए नहीं, मैं इसे बॉडी के लिए यूज करती हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर नहीं लगा। हाँ, इसलिए अगर आप नॉर्मल अपने अगर बॉडी के लिए एक मॉइस्चराइजर ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि मैं यूज कर रही हूँ, ये है लिप बाम की, तो लिप बाम के लिए दोस्तों जैसा कि अगर आपको कोई दूसरा लिप बाम पसंद है जो कि अफोर्डेबल है, तो आप जरूर आप उसे ही कंटिन्यू आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं जो यूज कर रही हूँ, मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, वो है द बॉडी शॉप का लिप बाम है। थोड़ा सा कॉस्टली है, आई थिंक ऐसे तो इसका प्राइस 699 या 95 रुपये दिखता है, बट ऑफर में आपको 550 रुपये तक मिल जाएगा, बट मुझे ऑनेस्टली मुझे वर्थ लगता है, क्योंकि एक बार ये लिप बाम ले लो आप, मुझे लगता है 7 से 8 महीने ये लिप बाम चलता है, तो मुझे लगता है अगर 8 महीने में आपको एक बार अगर 550 रुपये अगर इन्वेस्ट करने हैं लिप बाम पे, तो मुझे तो टोटली वर्थ लगता है। लिप बाम बहुत सारे लिप बाम ट्राई किए हैं, मेबलिन, लैक्मे, नाइका, अभी मैंने ट्राई किए, बट मुझे उतना ज्यादा एक होता ना कि एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं मिल रहा था अंदर से, और जिसमें मुझे मिला वो है ये द बॉडी शॉप का। जब से मैंने इसे ट्राई किया मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और ये एक ऐसा लिप बाम है जिसको मैं कई तरह से मतलब मल्टीपल मैं इसका यूज करती हूँ, तो चलिए मैं बताती हूँ मल्टीपल यूज क्या है। सबसे पहले तो ये जो लिप बाम है वो टिंटेड लिप बाम है, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का सा टिंट आता है, तो मुझे से तो एक यूज मेरा यही हो जाता है कि मुझे जब सबको होता है अगर आप घर में रहते हैं तो लिपस्टिक वगैरह इतना लगाने का मन नहीं करता है, एक नॉर्मल लगता है कि मेरा जो लिप्स है वो मॉइस्चराइज रहे और एक अच्छा सा थोड़ा सा एक लाइट सा टिंट भी दिखे, उसके लिए मुझे बेस्ट लगता है कि हल्का सा टिंट भी आता है लिप्स पे, और उसके बाद लिप्स को मॉइस्चराइज तो करता ही अच्छे से। और दोस्तों एक यूज मैं ये भी करती हूँ कि इसको मैं एज ए ब्लश भी अप्लाई करती हूँ, अभी भी आप देख सकते हैं मैंने अपने चीक्स पे यही वाला लिप बाम है जिसे मैंने इसे अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आप इसको अपने चिक्स पे ऐसे इस तरह से अगर आप थोड़ा सा लगा लेते हैं तो आपके जो ये कभी कभी होता है ना कि हमारा ये वाला जो एरिया होता है बहुत ड्राई ड्राई फील होता है, मुझे भी फील होता है, तो मैं थोड़ा सा मैं ये लगा लेती हूँ और मेरा काम हो जाता है, मेरा जो चिक्स है मॉइस्चराइज भी हो जाता है, और एक देख सकते हैं आप हल्का हल्का सा टेंट भी आ जाता है चिक्स पे जो कि ब्लश का काम करता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी भी आप देख सकते हैं, तो इसलिए ये लिप बाम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये मेरा फेवरेट है। बट अगर आपको कॉस्टली लग रहा है, अगर आपको कम रेंज में अगर आपको कोई दूसरा लिप बाम पसंद है तो आपको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है द बॉडी शॉप का, मुझे ये लिप बाम से बेस्ट लिप बाम लगता है। 8 महीने में एक बार आपको 550 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो मुझे तो उस हिसाब से ये सही लगता है, काफ़ी चलता है, जो कि मैं दिन में ऑलमोस्ट 3 से 4 बार मैं इसे अप्लाई करती हूँ, उसके बावजूद भी ये 7 से 8 महीने चलता है, तो ये लिप बाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करती हूँ एक हैंड क्रीम की, जैसा कि विंटर में जो हैंड होते हैं बहुत ज्यादा ड्राई होने लगते हैं, तो मेरे पास दोस्तों जो हैंड क्रीम है वो है ये नाइका की हैंड क्रीम। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने इस क्रीम को अपने एक रिग्रेट बाइंग प्रोडक्ट जो वीडियो था उसमें मैंने डाला हुआ था, पर दोस्तों ये जो क्रीम है ये उसका दूसरा वेरिएंट है, जो मैं पहले यूज करती थी उसमें दूसरा फ्लेवर था, कई तरह के फ्लेवर आते हैं, ये जो है रोज एंड वाइट मस्क। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हैंड क्रीम था इसे मैंने बाई नहीं किया है, मुझे फ्री मिला है। एक्चुअली नायका वालों ने मुझे एज अ बर्थडे गिफ्ट फ्री भेजा था, जब भी आपका जिस महीने में आपका बर्थडे होता है उस महीने में अगर नायका साहब कोई शॉपिंग करते हैं तो उसमें आपको एज अ कुछ गिफ्ट फ्री गिफ्ट आप जरूर भेजते हैं, तो फिलहाल जनवरी में मेरा बर्थडे था तो उन्होंने मैंने कुछ सामान मंगाया हुआ था तो उन्होंने मुझे एज अ फ्री गिफ्ट इसे भेजा था, और मैंने इसे यूज किया तो मुझे काफ़ी पसंद आया। अब आई डोंट नो कि लास्ट वाला था उसमें
वो अलग फ्लेवर था या उस मुझे उसके स्मेल भी मुझे उसका नहीं पसंद था, मुझे बहुत उसका वर्क नहीं समझ में आता था, बट ये वाला मुझे क्वाइट बहुत काफ़ी मुझे पसंद आया, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो फ्लेवर है इसकी स्मेल भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और काफ़ी मॉइस्चराइज अच्छे से हैंड को सॉफ्ट भी कर रहा है। फिलहाल मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया ये नायका का, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। मेरा जो इसमें जो फ्लेवर क्या बोलते हैं उसको एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं समझ आ रहा, इसमें जो फ्लेवर या वेरिएंट जो भी आप बोल सकते हो वह रोज एंड वाइट मस्क, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये आई थिंक 223 रुपए की शायद ये क्रीम आती है, तो अफोर्डेबल भी है, तो आप इस विंटर में आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको एक लिप ग्लॉस या लिप कलर दिखा रही हूँ। वैसे तो जो मैंने आपको लिप बाम दिखाया है उससे भी मेरा काम हो जाता है, बट फिर भी अगर आप कोई अच्छा सा एक लिप ग्लॉस ढूंढ रहे हैं अपने लिप्स के लिए जो आपके लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करे और एक अच्छा सा न्यूट सा एक कलर भी आए आपके लिप्स पे, क्योंकि बहुत ये न पता चले कि आपने लिपस्टिक लगाया है, तो दोस्तों आप ये लाइफ में कहीं 95 वेटलेस मैट मूज लिप एंड चिप कलर है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने अभी भी इस फेस पे यही लगाया हुआ है। ये एक लिप एंड चिप कलर है, इसे आप एज अ ब्लश भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि नाम है वेटलेस, तो सच में वेटलेस ही है ये, और इसका कलर है स्पेशली जो शेड है न्यूट कुशन, ये शेड बहुत ज्यादा अच्छा शेड है, मैंने यही शेड अप्लाई किया हुआ है। देख लिए दोस्तों ये बहुत अच्छा लिप कलर है, मतलब ऐसा लिपस्टिक वाली फीलिंग नहीं आती है, इसको लगाने के बाद लगता है कि हाँ आपने कोई एक लाइट सा कोई वेटलेस आप लिप कलर लगाए हुए हो, बिल्कुल पता नहीं चलता है। पूरा दिन आपका स्किन अरे सॉरी आपका जो लिप्स है पूरा दिन मॉइस्चराइज रहता है, बिल्कुल अगर ये लिप्स से हटता भी है थोड़ा थोड़ा तब भी आपके लिप्स पे थोड़ा थोड़ा टिंट रहता है, तो ये वाला जो लिप कलर है काफ़ी अच्छा है लैक्मे का है, और स्पेशली जो सीड है न्यूट कुशन वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एक अच्छा सा लिप कलर या लिप ग्लॉस जो भी अगर ढूंढ रहे हैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइजेशन के लिए और अच्छे से एक कलर के लिए न्यूट, स्पेशली अगर न्यूट कलर आप चाह रहे हैं पीची न्यूट कलर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अभी लगाया हुआ है, तो ये वाला आप जो लैक्मे की ये वाला जो लिप कलर है इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, एज अ ब्लश भी आप इसे लगा सकते हैं। ये वाला प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, तो इसे भी मैं विंटर में कभी मुझे थोड़ा सा अगर बाहर जाना होता है तो मैं इसे भी अप्लाई कर लेती हूँ, और ये भी काफ़ी मतलब एक लिप्स में मॉइस्चराइजर का भी काम हो जाता है, थोड़ा सा टिंट भी आ जाता है, ये लिप कलर भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। ये भी आप दोस्तों नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, वैसे तो ये प्रोडक्ट जो है वो मेकअप का प्रोडक्ट है, ये स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर। आप सोच रहे होंगे इसका स्किन केयर में क्या काम है, तो दोस्तों इसका काम ये है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप मेकअप ना करें सिर्फ स्किन केयर ही करें और उसमें थोड़ा सा एक हल्का सा ग्लो हमारी स्किन पे नेचुरली एक ग्लो दिखे, उसके लिए ये प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैं भी करती हूँ, अभी भी मैंने किया हुआ है, आपको थोड़ा थोड़ा सा ग्लो मेरे स्किन पे दिख रहा होगा, मैंने मेकअप नहीं किया है फिर भी आपको ग्लो दिख रहा होगा मेरे स्किन पे। तो दोस्तों इसका यूज आपको ऐसे करना है कि आपका जो भी मॉइस्चराइजर आपको अच्छा लगा हो, फिलहाल तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ सेटाफिल वाला ये वाला मॉइस्चराइजर विंटर के लिए, तो आप यही यूज करें। इस मॉइस्चराइजर में जब भी मैं इसे यूज करती हूँ, थोड़ा सा थिक मॉइस्चराइजर है ये, इसी में मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ इस जो स्विस ब्यूटी का ये जो पर्ल इल्यूमिनेटर। तो दोस्तों अगर इन दोनों प्रोडक्ट को अगर आप मिक्स करके लगाते हैं तो आपका दोनों काम हो जाएगा, आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी हो जाएगी और आपको एक थोड़ा सा नेचुरल सा ग्लो भी मिल जाएगा, जैसा कि मैं करती हूँ, अभी भी मैंने किया है, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरी स्किन पे थोड़ा सा ग्लो आपको दिख रहा होगा। तो आप अगर चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्किन केयर करें, हल्का सा ग्लो भी उसमें मिल जाए, तो आप ये है क्या जो भी बोल सकते हो आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अपने किसी मॉइस्चराइजर में इसे मिक्स कर लीजिए और बहुत देर से आपको ग्लो भी मिल जाएगा और आपकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज भी हो। और दोस्तों मैं लास्ट प्रोडक्ट जो दिखाने जा रही हूँ आपको वो है एक हेयर केयर प्रोडक्ट है। दोस्तों इसे मैंने स्किन केयर में इसलिए शामिल किया है कि विंटर में क्या होता है हमारे जो बाल होते हैं बहुत ज़्यादा फ्रिजी होने लगते हैं, मेरे भी बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक हेयर सीरम आज दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे मतलब कुछ दिन पहले ही मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा फर्स्ट हेयर सीरम है। दोस्तों जो हेयर सीरम होता है उन्हें यूज करने से मैं थोड़ा बचती हूँ, रीजन ये है कि जो मेरे बाल हैं बहुत ज़्यादा थिन है, थोड़ा सा भी अगर ऑयल मेरे बाल में अगर मैं लगा लेती हूँ तो मेरे जो स्कैल्प है बहुत ईजिली विजिबल होने लगते हैं, तो वो मुझे मतलब अच्छा नहीं दिखाते हैं पूरे फेस को, इसलिए मैं ऑयल सीरम से बहुत ज़्यादा बचती थी। बट मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे तो मैंने सोचा चलो ठीक है ऑयल सीरम ट्राई करते हैं, बट जो मैं प्रोडक्ट दिखा रही हूँ उसे खरीदने से पहले मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि ऐसा ना हो कि मतलब मैं ले लूँ और ये
मतलब मेरे स्कैल्प को ऑयली ऑयली कर देगा, तो मूड खराब होने लगता है कि पैसे लगता है पैसे वेस्ट हो गए, बट ये प्रोडक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस प्रोडक्ट के साथ, इसलिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। ये है दोस्तों लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर सीरम। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, काफ़ी लग्जरियस पैकेजिंग है, देख पा रहे होंगे आप, बहुत ज़्यादा अच्छी पैकेजिंग है। ग्लास की पैकेजिंग है, जो कि मुझे ग्लास की स्पेशली जितनी भी पैकेजिंग होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हाइजीन लेवल से भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। और एक और अच्छी बात है कि इसमें आई थिंक ट्रेवलिंग वाला पैकेजिंग भी छोटा सा आता है प्लास्टिक वाला, वो आप अगर ट्रेवलिंग के लिए चाहिए तो आप उसे ले सकते हैं। ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे फर्स्ट रीज़न जो है कि मेरे बाल को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है हेयर सीरम अगर बाल को जो ऑयली करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करता है। जब भी मतलब कि इसे लगाओ कुछ देर बाद ही मतलब बाल मैनेज भी हो जाते हैं, नॉर्मल दिखने लगते हैं, बिल्कुल ऑयली नहीं लगते हैं, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सेकेंड रीज़न दोस्तों ये है कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी होने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेबी हेयर इधर उधर दिखने लगते हैं, तो इसे मैं अप्लाई कर लेती हूँ तो वो मैनेज हो जाते हैं, तो अच्छे थोड़ा अच्छा दिखने लगता है, तो मतलब एक अच्छी सी शाइन भी आ जाती है बाल में, तो इसलिए मुझे इस रीजन से भी प्रोडक्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोस्तों तीसरा रीजन ये है कि इस बाल से आप हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था कि मेरा जो लॉरियल का हेयर स्प्रे है वो मेरा फिनिश हो चुका है, और दोस्तों मैं नायका पे काफ़ी सर्च कर रही हूँ बट वो मुझे मिल नहीं रहा है, मतलब मुझे इसके लिए छोटी वाली बॉटल चाहिए और क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक है मिल नहीं रही थी, तो मैंने इस प्रोडक्ट से ट्राई किया थोड़ा हेयर स्टाइलिंग करने का, उसमें मुझे काफ़ी हेल्प मिला इस प्रोडक्ट से, तो इस पर्पज से भी मुझे ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आप एक अच्छा सा हेयर सीरम ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये, लाइट वेट है तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ रिग्रेट नहीं फील होगा आपको, क्वांटिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है, और पैकेजिंग आप देख रहे हैं तो अंडर 400 प्रोडक्ट मिल जाएगा, बट काफ़ी ज़्यादा मुझे ये पसंद आया। इसे भी आप अपने स्किन हेयर केयर प्रोडक्ट में आप शामिल कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं इस विंटर में, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जितने मैंने जो भी आपको प्रोडक्ट दिखाए हैं विंटर स्किन केयर रूटीन में, आप इन्हें जरूर शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी आप रिग्रेट नहीं होंगे, और आपको इन्हें सारे प्रोडक्ट को यूज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं भी यूज कर रही हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। जो मॉइस्चराइजेशन आपको चाहिए आपको स्किन के लिए, आपको इन सारे प्रोडक्ट से आपको जरूर मिल जाएंगे। अगर आप विंटर के लिए अच्छी स्किन केयर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो आपकी इस वीडियो से जरूर थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, और मेरी आगे की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।